Assalamualaikum, वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 15 और क्विनोलिन सिंथेसिस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एक नया मेथड करने वाले हैं क्विनोलिन सिंथेसिस का, डेट इज कॉम्ब्स सिंथेसिस। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रॉप सिंथेसिस की थी और क्विनोलिन का इंट्रोडक्शन किया था, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज हम करने वाले हैं कॉम्ब्स सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन। चलिए स्टार्ट करें। इन कॉम्ब्स सिंथेसिस एनिलीन इज रिएक्ट विद एसिटाइल एसीटोन, या जिसको हम 1,3-डाइकीटोन भी बोलते हैं, 1,3-डाइकीटोन, और उसका कॉमन नेम एसिटाइल एसीटोन। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एथेनॉल to give quinoline। तो ये इसकी स्टेटमेंट रहेगी। आइए रिएक्शन की बात करें, तो हमने स्टार्टिंग मटेरियल अपना क्या लेना है, एनिलीन, और ये एनिलीन आपका स्क्रॉप सिंथेसिस में भी आपका स्टार्टिंग मटेरियल था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। तो एनिलीन का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, एसिटाइल एसीटोन के साथ, दैट इज आर सी डबल बोन ओ सी एच टू सी डबल बोन ओ आर प्राइम, सही है। ये आपका क्या है, देखो अगर इसको 1,2,3, इसको हम 1,3-डाइकीटोन भी बोलते हैं और इसको एसिटाइल एसीटोन भी बोलते हैं। इसके साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, कंडीशन आपके पास क्या है, द फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सेकंड वन इज C2H5OH एथेनॉल। तो आपके पास क्विनोलिन बनेगा, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन बनता है आपका, ठीक है, प्योर नहीं। सेकेंड और ये फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, लाइक आर एंड आर प्राइम, सही है। स्क्रॉप सिंथेसिस में हमारे पास प्योर क्विनोलिन बनती है, बट हमारे पास कॉम्ब्स सिंथेसिस में टू और फोर्थ पोजीशन के ऊपर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होगा। डिपेंड करेगा कि आप यहां पर कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, अब याद रखें कि ये क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि ये देखो ना, ये आपका नाइट्रो वन पोजीशन है, ये टू है, ये थ्री और फोर, टू पोजीशन के ऊपर कौन सा आर ग्रुप आएगा और फोर्थ पोजीशन के ऊपर कौन सा आर ग्रुप आकर लगेगा, ठीक है। देखिए दो है ना, एक ये है और एक ये है, तो ये आर ग्रुप ये वाला, लेट्स सपोज इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ये है ये सेकंड पोजीशन पर आएगा या फोर्थ पर, और ये जो आर प्राइम है ये सेकंड पर आएगा या फोर्थ पर, तो इसका हम किस तरह डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि ये नाइट्रोजन, अब ये इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकती है और इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकती है, तो याद रखेंगे ये वाली नाइट्रोजन जिस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगी उसके साथ वाला जो आर ग्रुप होगा वो आपका सेकंड पोजीशन पर आएगा। मतलब नाइट्रोजन के साथ जो आर ग्रुप है वो वाला आर ग्रुप होगा जिस कार्बोनाइल पर नाइट्रोजन आपका अटैक करेगा, सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने आर रखा है, तो ये वाला आर ग्रुप है, तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगी, सही है। तो जिस कार्बन पर, जिस कार्बोनाइल कार्बन पर ये एनिलीन की नाइट्रोजन अटैक करेगी उसके साथ वाला जो आपका आर ग्रुप होगा वो सेकंड पोजीशन पर आएगा, क्लियर है, याद रह जाएगा। अच्छा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये वाला नाइट्रोजन यहां अटैक ना करके यहां पर अटैक करेगा, तो देखो अब नाइट्रोजन ने इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया तो उसके जो साथ वाली आर प्राइम है वो यहां पर आएगी और सिंपल आपका आर दूसरा सेकंड वाला यहां पर चला जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये डिसाइड करना है कि ये नाइट्रोजन इस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा या इस कार्बोनाइल पर, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप डिसाइड करेंगे, ये जो लगे हैं। अगर तो आपके दोनों आर ग्रुप सेम है, मतलब आपके CH3 CH3 है, C2H5 C2H5, तो फिर आपका जिधर दिल करे वहां पर नाइट्रोजन का अटैक करवा दें, सही है। अगर दोनों आर ग्रुप सेम है तो जहां पर मर्जी अटैक करवाएं, कोई मसला नहीं,
बट अगर आपके पास आर ग्रुप डिफरेंट हैं तो आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो फिर आपके पास डेफिनेटली जो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल उसी के ऊपर अटैक करेगा, ये डोनर है या एक्सेप्टर है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, सही है। तो फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपका आर ग्रुप कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, कौन सा आर ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा आपके पास उतना ही ज्यादा वो कार्बोनाइल को इलेक्ट्रोफिलिक करेगा और फिर उतना ही ज्यादा वो नाइट्रोजन उसके ऊपर अटैक करेगा, सही है। तो इस इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है कॉम्स सिंथेसिस में। 2,4 डाय सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन आपके पास यहाँ पर फॉर्म होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट। रिएक्शन करवाना है एनिलीन और एसिटाइल एसिटोन या 1,3 डाइकिटोन का, इतना आप नोट करें, मैकेनिज्म में आपको भी करवाता हूँ। चलिए समझ आया स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, रिएक्शन कंडीशंस क्या रहेंगी और कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। चलिए स्टार्ट करें। एनिलीन रिएक्ट करेगी, अभी मैं वो जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से आर ग्रुप मैं आपको एग्जाम्पल करवा दूंगा लास्ट में, जो मर्जी रख लीजिएगा, सही है। अच्छा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर लेट्स सपोज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड ऑक्सीजन, सही है। NH2, अब ये वाली कार्बन ये आ गई, इसके साथ देखिए एक O नेगेटिव है, एक आपका R ग्रुप है, सही है। अब इसके साथ आगे CH2 आ गया, फिर आगे ये कार्बन आ गई, इसके आगे डबल बॉन्ड O है और उसकी कार्बन के ऊपर R ग्रुप लगा, क्लियर है, समझ आया लिखने का तरीका क्या है। अच्छा इस नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाना है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन, तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा इस ऑक्सीजन पे पास जाएगा, ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी खत्म होगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा NH, ये आपका R ग्रुप और यहां पर एक R, ये बन जाएगा OH, सही है। कोई मसला कोई मसाइल नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है एज अ कैटलिस्ट, तो भाई एच प्लस तो आपके पास ढेर सारे होंगे, तो ये ऑक्सीजन जो आपका हाइड्रोक्सी का ऑक्सीजन है इसको आप प्रोटोनेट करवाएं, क्योंकि हमने ये ग्रुप यहां से लीव करना है, तो इसको पहले प्रोटोनेट करके OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएं, फिर आपके पास ये ग्रुप यहां से लीव होगा, तो क्या होगा आपके पास, ये NH, ये आपका आर ग्रुप, ये आपका ओ एच टू पॉजिटिव एंड दिस इज योर आर, क्लियर है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करते जाएं, ये आपका आर प्राइम है। अच्छा अब देखें ये आपके पास बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इस हाइड्रोजन को अब आपने किस तरह शिफ्ट करना है, ये बॉन्ड आपका आएगा यहां पर, ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, मतलब डिहाइड्रेशन हुई, एक तो माइनस एच टू ओ पॉजिटिव हुआ, सॉरी एच टू ओ हुआ, सेकेंड माइनस एच प्लस भी हुआ, तो भाई जो कैटालिस्ट आपने दिया था वो अगले ही स्टेप में आपको दोबारा वापस मिला, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा एन इधर आपका डबल बॉन्ड और ये आपका आर ग्रुप आर प्राइम, सही है। अच्छा अब होगा कुछ यूं कि सही है आपके पास नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, ओके। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ऑक्सीजन को आप प्रोटोनेट कर दें ये वाला, तो भाई एसिडिक कंडीशन है तो कोई मसला ही नहीं, हम यहां से एच प्लस लेंगे, इस ऑक्सीजन को हम यहां से प्रोटोनेट करेंगे, तो होगा कुछ यूं, ये एन ये आपका बनेगा ओ एच पॉजिटिव और इसी पर आपका आर ग्रुप लगा है आर प्राइम और ये आपका आर और इधर आपका डबल बॉन्ड, सही है। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता,
फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड ऑक्सीजन भी शिफ्ट करेगी, तो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन रहती है। अब आपको रिंग फॉर्मेशन भी करनी है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे टूवर्ड दिस कार्बन, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूवर्ड ऑक्सीजन शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो आपका खत्म, मतलब रिंग फॉर्मेशन अब आपकी हो रही है। तो क्या बनेगा आपके पास ये, अच्छा एन ओ एच और इस पर एक आर प्राइम ग्रुप भी लगा है, ये डबल बॉन्ड, ये आपका आर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, कोई मसला कोई मसाइल? अच्छा, यहां से यहां तक आते हुए आपके पास क्या है, एरोमेटिसिटी लॉस। तो यहां पर आपके पास ये बॉन्ड यहां पर, और ये जैसे ही H+ की फॉर्म में यहां से निकलेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस H+ के ऊपर करेगा अटैक, तो वो OH2 पॉजिटिव बनेगा, मतलब आपके पास क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन हुआ। सही है, यहां से प्रोटॉन निकला इस OH के पास चला गया और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो आपका खत्म हो जाएगा। तो रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दोबारा उसको मिल गए और R ग्रुप ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया OH2 पॉजिटिव, और यहां पर अभी आपका R प्राइम भी है। सही है, कोई मसला कोई मसाइल नहीं? अब आप क्या करेंगे, इसको आप हीट करें, यहां से वाटर मॉलिक्यूल फिर निकलेगा, कैसे हीट करेंगे, तो ये बॉन्ड यहां पर और ये बॉन्ड आपका यहां से। सही है, तो ये H+ की फॉर्म में निकलेगा और ये आपका लिविंग ग्रुप माइनस H+ भी हुआ और माइनस एच टू ओ बी हुआ, सो यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट ये अब आपका आर और ये आपका आर प्राइम रहेगा इधर। सही है, तो ये देखें अब आपके पास 1, 2, 3 and 4 2,4-diesubstituted क्विनोलिन आपकी फॉर्म होती है कॉम्ब सिंथेसिस में। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब आपके पास ये वाला आर ग्रुप, नोट कर लिया मैकेनिज्म, नोट कर लें, ठीक है, कोई मसला मसाइल होना नहीं चाहिए। रिपीट कर दूं जल्दी से, क्या करना है आपने, एसिटाइल एसीटोन नाइट्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टूवर्ड ऑक्सीजन, तो यहां पर ये नाइट्रोजन के साथ इस कार्बन और इसके साथ ये ओ नेगेटिव, वहां पर एक आर ग्रुप भी है, फिर आगे ये सी एच टू है, फिर ये कार्बोनाइल कार्बन है, आगे ऑक्सीजन और ये आर प्राइम लगा है। सही है, यहां से आप प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाएंगे, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, दोनों ही आपके स्टेबलाइज हो जाएंगे। एच प्लस ऑक्सीजन इस एच प्लस के ऊपर अटैक करेगा, ये आपका एज अ कैटलिस्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड से आया, ये आपके पास अच्छा लिविंग ग्रुप बना, ये आपके पास बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये आपके पास एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा। एच प्लस भी आपको मिल गया और वाटर का मॉलिक्यूल भी यहां से रिमूव हुआ, जो आपने एज अ कैटलिस्ट दिया था वो आपको यहां पर रीजनरेट हुआ। इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाना है, इस ऑक्सीजन को दोबारा आपने प्रोटोनेट करवाना है, इस ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड ऑक्सीजन जा रही है, तो ये कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव रहता है, ये बॉन्ड आप ब्रेक करवाएंगे टूवर्ड दिस कार्बन, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहां से रिंग फॉर्मेशन होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखें, यहां से यहां तक जाते हुए रिंग की कंजुगेशन हुई लॉस, तो आपके पास यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाना पड़ेगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, ये H+ के ऊपर ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, ये OH2 बेटर लिविंग ग्रुप बनेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, इसको हीट करेंगे, H+ निकलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये बॉन्ड आपका यहां पर, ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा, आपको मिलेगा 2,4-diesubstituted क्विनोलिन। क्लियर है? अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास यहां से ये R ग्रुप, इतना नोट कर लिया, मैं कहता हूं ये R ग्रुप था लेट्स सपोज CH3 और ये वाला R ग्रुप भी था CH3, तो अब दोनों सिमिलर हैं, तो यार आपकी मर्जी, इस नाइट्रोजन का अटैक इस पर करवाते या इस नाइट्रोजन का अटैक इस पर करवाते। अब R किधर है, ये हमारा ये वाला, अब R भी आपका मिथाइल था और R प्राइम भी आपका मिथाइल था, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता। अब ये वाला मिथाइल कौन सा है, ये वाला, और ये वाला मिथाइल कौन सा है, ये वाला। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर अटैक, अब इसका नेम क्या बना, 2,4-डायमिथाइल क्विनोलिन। सही है, ओके, बट अगर आपके पास एक ये होता C2H5, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ता यार नाइट्रोजन अटैक कहां पर करेगा, किस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन का अटैक करवाए,
तो आप देखें कि ये CH3 और C2H5 में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन देता है, ये प्लस आई ना प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, तो जो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट करेगा वो उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगी उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, वहां पर नाइट्रोजन अटैक नहीं करेगा, नाइट्रोजन वहां पर अटैक करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो भाई इन दोनों में ये वाला ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देता है, ये देखो अब आपका इसका क्या मतलब है, CH2CH3 तो ये ऐसे है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यहां से भी पीछे से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो जब ये ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा प्यारे बच्चों इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो ये कम इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू दिस, यहां से जस्ट ये साइड पर है तो पॉजिटिव चार्ज उसको दे रहा ना, सॉरी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कम तो होगा बट इसकी बनिस्बत कम, तो अब अटैक यहां पर ही होगा, सही है। अब यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो भाई नाइट्रोजन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, उसके साथ वाली जो CH3 है वो यहां पर आएगी और बाकी जो C2H5 है वो यहां पर आ जाएगा C2H5। क्लियर है, कोई मसला कोई मसाइल नहीं। अब लेट्स सपोज मैं ग्रुप चेंज करने लगा हूं, देखिए एक मैं रखता हूं CH3 और एक मैं रखता हूं NO2। देखिए मैं अपनी मर्जी से आपको समझाने के लिए या ग्रुप रख सकते हैं अगर आपने इस तरह का सब्स्टिट्यूटेड जो है वो क्विनोलिन बनानी है। अब देखिए एक पर है नाइट्रो ग्रुप, एक पर है CH3, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यस। नाइट्रोजन किसके ऊपर अटैक करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो देखो ये वाला ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देता है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा। अच्छा ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट देते हैं, मतलब ये यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अब इलेक्ट्रॉन टुवर्ड नाइट्रो ग्रुप जाएंगे तो इस कार्बोनाइल कार्बन को और पार्शियल पॉजिटिव कर जाएगा, तो अब यहां पर आपका अटैक नहीं होगा। अब की बार आपका जो ये नाइट्रोजन है ये अटैक करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, सही है। तो अब यहां पर अटैक होगा, यहां पर अटैक नहीं होगा, तो अब की बार इस कार्बन पर अटैक हुआ, ये जो अब नाइट्रो ग्रुप है यहां पर आएगा और जो CH3 है वो आपका यहां पर आएगा, मैकेनिज्म आप करके देख सकते हैं। तो ये आपका क्या बना, 4-methyl-2-nitro-vinolin, अल्फाबेटिकली नाम देना है तो N बाद में आता है, M पहले आता है, तो 4-methyl-2-nitro-vinolin। क्लियर है, समझ आया, ओके। तो ये आपका कॉम्स सिंथेसिस था जिसमें हमने सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन प्रिपेयर की है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम जल्द लेकर आएंगे जिसमें हम थर्ड मेथड करेंगे क्विनोलिन की प्रिपरेशन का। तब तक के लिए इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।